This conference will now be recorded. Okay, तो now we discuss pivot table के कुछ छोटे मोटे functions हैं, उसके बारे में हम पहले discuss करेंगे, ठीक है? छोटे मोटे जो चीजें हैं, जो कि हम class के समय चीजें छोड़ दी होगी, हम उस पे discuss करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ menu bar से start करते हैं, right? तो यहाँ आपके पास क्या field header? जैसे आपने अगर जैसे मान लीजिए मैं main और हमने यहाँ पे अगर इसमें quantity का total लिया और मान लीजिए मैं यहाँ पे main हो गया product का product को मैंने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे sum of quantity दिख रहा है आपको सर this is the field header और हम इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ से सॉरी sum of quantity नहीं row level एंड column level जो होता है वो आपका field header होता है तो pivot table quantity तो इसको क्लिक करने से ये आपका आएगा और जाएगा दूसरी चीज मैंने बताया था कि हम कॉलम में वो चीज रखते हैं जो कि छोटा होता है छोटा लिस्ट है प्रोडक्ट की लिस्ट अगर जो 10-20 प्रोडक्ट का लिस्ट तो रख दिया जो बड़ा होगा उसको हम क्या रखते हैं टेबल में तो टेबल में रखने के साथ ही प्लस माइनस का सिंबल आ जाता है जिससे आप कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप यहाँ प्लस और माइनस का सिंबल दिख रहा होगा इसको अनचेक कर अब यहां पे वो ऑप्शन ही नहीं है ठीक है लेकिन आप क्या तो क्या मैं कोलैप्स कर सकता हूं तो यहां से आप कोलैप्स कर सकते हैं यहां से आप एक्सपेंड कर सकते हैं तो इसको हटाने से आपका ये फीचर डिसेबल नहीं हुआ बट यूजर की पहुंच से थोड़ा दूर हो दूसरी चीज मैं चाहता हूं इस पर क्लिक करते जो आता है वो ना है तो इस पर राइट क्लिक कर दीजिए क्लिक हट जाएगा या फिर राइट क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ पे शो फिल लिस्ट करेंगे तो आएगा और वापस मैं इसको अनचेक करूंगा तो हट जाएगा राइट सर उसके बाद अगला आता है रिकमेंडेड पिवट टेबल जिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं अब आती है पिवट चार्ट के बारे में बताया कि आपका चार्ट होता है जैसे आप चार्ट लगाते हो वैसे चार्ट होता है उसको विजुलाइजेशन भी कहा जाता है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं जो कि आपके पिवट टेबल से कनेक्टेड होता है पिवट टेबल चेंज होगा तो ये अपने आप को भी चेंज कर लेगा और चार्ट की एक अलग अपनी डिजाइन होती है अपना फॉर्मेट होता है यहाँ पे बस लिंक हो जाता है पिवट टेबल से अच्छा जिसके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा म्यूट कर लें तो ये हाँ आपका पिवट चार्ट उसके बाद आगे हम बढ़े पिवट टेबल एनालिसिस टूल्स में तो ये आपका रिलेशनशिप है जो कि हम आपको अगली क्लास में बताएंगे फिर आइटम सेट में बता चुके हैं मूव टेबल मतलब कि आपने पिवट टेबल लगाया लेकिन यहाँ पे आपने सीट फोर में लगा दिया लेकिन मुझे इसको लगाना था सीट टू पे या लगाना था कस्टमर वाले शीट पे तो वापस वहां जाके पिवट लगाना बाकी सारे कैलकुलेशन करना तो टाइम लगेगा उससे अच्छा है कि आप यहाँ मूव टेबल पे जाए और जहां पे टेबल मूव करना है उस जगह का नाम दे ओके कर दे ये पिवट टेबल आपका वहां पे मूव हो जाएगा दूसरी चीज सिलेक्शन करना अब जैसे क्या है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका सिलेक्शन है ये आपका पूरा सिलेक्शन है ये आपको देखिए जब भी आप कर्सर रखेंगे तो ये आपका प्लस वाला कर्सर जो है ये पर रखते ही आपका ये बैकग्राउंड हो जाएगा अगर ये लेफ्ट टू राइट कर्सर बना मतलब कि कॉलम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा जैसे कि मान लीजिए इसकी इस कॉलम में मैं अगर सेल्स मोड को रख दिया तो मैं यहाँ पे गया तो पूरा का पूरा सिलेक्ट कर ठीक है लेकिन इसी में अगर डाउन और ये आपका डाउन का बना ठीक है डाउन का बन रहा है तो ये क्या करेगा कि जितने भी वो उस कैटेगरी नेम है ना नेम की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेगा या फिर अगर यहाँ पे डाउन बन रहा है तो ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी क्या था प्रोडक्ट का तो हर डेटा जितने भी हर नेम के जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेगा ठीक है सिलेक्शन आता है तो इसी में अगर एनालाइज में जाते हैं सिलेक्शन में तो सिलेक्शन में एक यहाँ पे आता है एंटायर पिवट टेबल को सिलेक्ट करना एंटायर पिवट टेबल जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उसमें चूज होता है कि सिर्फ आप वैल्यू एंड लेवल को सिलेक्ट करें या सिर्फ वैल्यू को सिलेक्ट करें या सिर्फ लेवल को सिलेक्ट करें ये आपका ही होता है
और ये जो अभी आपका जो ब्लैक कलर का आ रहा था टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, वो इससे आ रहा था क्योंकि अनेबल सिलेक्शन अनेबल है। अगर इसको डिसेबल क्लिक कर दिया तो डिसेबल हो जाएगा। तो अब आप इस पे वो ब्लैक कलर का कर्सर फिर जल्दी दिखेगा जिसपे क्लिक करने से पूरा रो एंड कॉलम सिलेक्ट होता था, तो यहां से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लियर आता है। आपने बहुत सारे फील्ड में रखे हुए हैं तो आपको एक एक करके यहां से हटाना पड़ेगा, तो आप एक ही बार यहीं पे आप क्लियर कर दे तो ये आपका यहीं से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है चेंज डेटा सोर्स, ये मैं भी मैंने आपको कल बताया था। फिर आता है आपका लास्ट क्लास बताया था रिफ्रेश, रिफ्रेश करना, रिफ्रेश की स्टेटस देखना वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। और कनेक्शन प्रॉपर्टीज वगैरह जब आप एक स्टैंडर्ड पेपर टेबल पढ़ाऊंगा उसमें आप इसको देखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है स्लाइसर, स्लाइसर आपको नेक्स्ट क्लासेज में पता चलेगी, ये इस फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। ग्रुप पढ़ा ही चुका हूँ, ये बाकी चीज आपको पढ़ा ही चुका हूँ। फिल सेटिंग वगैरह आप यहीं से कर सकते हैं जो कि आप यहाँ से लाते हैं, इससे क्लिक करके भी आ सकता है। उसके बाद पहला ऑप्शन आपका आता है पिवट टेबल में ऑप्शंस। अब जैसे कि इसमें आपका यहाँ से सबसे पिवट टेबल का नेम है, ये आपको वीवीएन इस नेम का महत्व पता चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन अभी नहीं वीवीएन। लेकिन यहाँ पे आते हैं पिवट टेबल में आपका ऑप्शंस, जो राइट क्लिक करके पिवट टेबल का ऑप्शन खोलते हैं वो ऑप्शन यहाँ से भी आता है, और इसके बारे में मोस्टली हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, नहीं कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। लेकिन इसमें एक आता है आपका जनरेट पिवट टेबल डेटा, उससे पहले आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज। तो शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज को पढ़ाने के लिए मुझे एक थोड़ा सा अलग सीट पे डेटा को रखना होगा। मैं कॉपी करके अब मैं एक न्यू शीट पे इस डेटा को फिल्टर करता हूं, और मैंने इसे पिवट टेबल पे बनाया है, और पिवट टेबल पे हमने एक रिपोर्ट बनाया। तो हमने प्रोडक्ट वाइज, नेम वाइज, क्वांटिटी का टोटल रिपोर्ट बना लिया, और हमारा फिल्टर लग रहा है और सेल्स मोड पर लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ से हम यहाँ से चेक करते हैं कि भाई एफिलिएटेड का कितना है, डायरेक्ट सेल कितना हुआ है, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर ने कितना सेल किया है, ऑनलाइन कितना सेल हुआ है, या किसी रिफरेंस के तहत में कितना सेल हुआ है क्या। लेकिन मुझसे डिमांड कहा गया है कि मुझे इन सब का अलग अलग पिवट टेबल चाहिए, समझे, अलग अलग पिवट टेबल। तो अगर 10 है तो 10 पिवट टेबल, 1000 है तो 1000 पिवट टेबल आपको लगाना है। तो इसके लिए कोई वीवीए प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस जिसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट पिवट टेबल लगाना है उसको आप फिल्टर में रख दें, और यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे जाए और यहाँ दिखेगा शो फिल्टर पर पेज, शो फिल्टर पर पेज। लेकिन तभी एक्टिवेट होगा जब आप फिल्टर में कुछ रखेंगे। अगर फिल्टर से मोड हटा दिया तो आपको यहाँ पे अनेबल नहीं होगा। ये अनेबल कब होगा, जब आप सेल्स मोड को फिल्टर में रखेंगे, मतलब कि जो भी आपका फील्ड जिसका अकॉर्डिंग चेंज करना है उसको आप फिल्टर में। फिर यहाँ पे हम आते हैं शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज पे एंड इसको ओके कर देते। तो क्लिक करते ही आप देख रहे हैं अलग अलग शीट में एक क्लिक पे आ गया, समझ में आ गया आपको ये डाउट यस सर। इसमें। नहीं, और इसमें फिल्टर में सर हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए कि सेल्स की जगह हम स्टेट भी रखना चाहें। नहीं, अच्छा, डबल नहीं एक होगा। वन टाइम। अच्छा मान लीजिए मैं स्टेट रख ही देता हूँ, उसे बता ही देता हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पे पिवट टेबल लाइन पे जाऊंगा, मल्टीपल फील्ड रख सकते हैं आप, लेकिन जैसे वो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज करेंगे तो आपसे पूछेगा किसके अकॉर्डिंग। आप इसमें से एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं, दो को नहीं सिलेक्ट कर सकते, समझे। ओके ओके, ठीक है ठीक है सर। यहाँ पे चीज और रखिएगा, ये जस्ट आपका पिवट टेबल को ही अलग करता है, समझे।
उस पे बने हुए कुछ ऑप्शन को नहीं, फॉर्मेटिंग वगैरह है वो तो कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने चार्ट बना दिया और चाहते हैं कि भाई चार्ट भी हर फिल्टर हर पेज पे अलग हो जाए, ठीक है, उस केस में नहीं होगा। तो सर फिर चार्ट हमें मतलब कि हर शीट पे अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाँ सर, ये फीचर नहीं है इसमें। अब बात करते हैं अगली ऑप्शंस का, वो है आपका पिवट टेबल में आपका जनरेट पिवट टेबल डेटा, तो इसके बारे में जान लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है सर। जैसे आप पिवट लिंक कर दो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया B5, तो यहाँ पे आपने B5 कर दिया, तो B5 में क्या आएगा, 2570 मतलब कि DVD का सेल आ रहा है, तो यहाँ पे आप DVD का सेल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट करते ही जैसे शॉर्ट DVD है, मान लो हमने शॉर्ट कर दिया, अब यहाँ पे ETC आ गया, दिक्कत होगी ना। लेकिन अगर आपने क्लिक किया और पिवट टेबल पे मतलब इक्वल करके आपने डायरेक्ट एड्रेस नहीं लिखा, पिवट टेबल पे क्लिक कर लिया, तो क्या होगा, तो हेडिंग यहां दो पे होता रहेगा गेट वो। पिवट का डेटा लग जाएगा। तो गेट पिवट का डेटा सिमिलर टू वीलुकअप होता है, जो पिवट टेबल में यूज होता है। इसमें देखिए कि हमें क्या लाना है, तो क्वांटिटी का टोटल लाना है। पिवट टेबल स्टार्ट कहां से है, A4 से स्टार्ट है। प्रोडक्ट किसमें कंडीशन लगाना है, तो प्रोडक्ट में क्या कंडीशन है। अब ETC को चेंज करके अगर मैं यहाँ पे DVD कर दूं, तो रिजल्ट आपका DVD का है। अगर आप किसी सेल्स लिंक से करना चाहते हो, किसी मैंने HDMN है कर दिया, इससे लिंक हो, तो आप इसमें मैनुअल यहाँ मोटोकॉम में लिखा हुआ है उसके जगह पे आप HD दे सकते हो। जैसे यहां पर चेंज होगा कि अपना रिजल्ट चेंज कर देगा, ठीक है। यस सर, हाँ ये आपका पिवट टेबल में सॉरी तो सर ये इसको इसको क्या हर हर जगह हमें इसको मैनुअल लिंक करना पड़ेगा। ड्रैग कर सकते हो, ये प्रोडक्ट फिक्स रहेगा, बाकी फिक्स रहेगा। भाई क्या होता है कि जब मतलब बनाओगे, सुनो, डैशबोर्ड जब बनाओगे आप, तो उस समय आप लिंक करोगे, लुकअप वीलुकअप लगाओगे। मान लीजिए कि आप डैशबोर्ड बना रहे हो और डैशबोर्ड का कोई इंफॉर्मेशन आपका पिवट से आ रहा है और उसको डायनेमिक करना चाहते हो, वहां ये फॉर्मूला काम, ठीक है। आपने डैशबोर्ड बनाया और आपने क्लिक कर दिया कि CD पे, तो अभी CD का रिजल्ट आ रहा है ना, कल के डेट में पिवट टेबल अपडेट हुआ, अपना रिजल्ट चेंज कर लिया, तो यहाँ पे तो वही गलत रिजल्ट दिखाएगा ना, जैसे यहाँ दिखा रहा है। इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 2570 आ गया, लेकिन हेडिंग तो ETC है ना, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पे, कि यहाँ पे जाके देना नहीं B5 नहीं, अब ETC जो है वो चला गया है B11 पे, तो B11 से कर, दिक्कत होगा, बट इस फीचर्स में नहीं होगा, समझे। आगे बढ़े सर, तो हमने ओके सर। पिवट टेबल एनालाइज फील्ड में हमने मोस्टली को कवर कर लिया। इसमें जो कवर नहीं हुआ वो स्लाइसर कवर नहीं हुआ, तो स्लाइसर से मैं आपको अगली क्लास में बताया कि बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको इससे पहले एक टॉपिक है उसको करना जरूरी है। उसके बाद हम अच्छा सर डिजाइन की बात करें, तो डिजाइन में मैंने मोस्टली चीज कवर कर दी है, तो आप हम बात करते हैं 2007 का लास्ट टॉपिक। अगर पिवट 2007 में अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका एक लास्ट टॉपिक है, वो है एक्सटर्नल पिवट। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल कई कारणों से लगाया जाता है। सबसे पहला कारण समझिए कि
कि मुझे ये जो डेटा आपको दिख रहा है, मुझे इस डेटा के ऊपर पिवट टेबल लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है मैनुअली तुम लगाते ही। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको हम मैनुअली जो जैसे ट्रेडिशनल वो लगाते हैं, उसमें दिक्कत क्या होता है कि डेटा हमारा इंक्रीज होता है तो हमें बार बार इंक्रीज करना पड़ता है रेंज को। जैसा कि हमने कल आपको लास्ट क्लास में बजट की अथॉरिटी का टारगेट वर्किंग बताया था, याद है सिंह जी? सिंह जी हाँ जी सर, हाँ जी याद हाँ है जी ना? तो यहां भी प्रॉब्लम होगा। मैं चाहता हूँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि पिवट मेरा अपडेट हो तो अपने आप ही अपडेट हो जाए। तो उसके दो रीजन, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपने पिवट टेबल को अपने डेटा को टेबल फॉर्म में जनरेट करो। अब बोले सर टेबल फॉर्म में जनरेट कैसे होगा? डेटा को सेलेक्ट करो, इंसर्ट टेबल, या फिर होम में फॉर्मेटेड एज ए टेबल। ठीक है, आपका पिवट टेबल बन जाएगा। जब इस पे आप टेबल बनाओगे तो आप यहां देखोगे कि यहां पे सिर्फ डेटा ले रहा है, क्योंकि इस पिवट का नाम है डेटा। पिवट इस टेबल पर लगाते समय हमने नाम दिया हुआ, तो ये रेंज नहीं ले रहा है। और जैसे इसमें डेटा इंक्रीज होगा तो टेबल रेंज इंक्रीज कर देगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, कॉपी पेस्ट करते समय टेबल इंक्रीज नहीं होता है, डेबल करना पड़ता है। उसका सॉल्यूशन है इंटरनल पिवट टेबल। कैसे लगाएंगे? तो हम C5 पे जहां पिवट लगा रहे हैं वहां पे कर्सर रखेंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे, और यह दूसरा ऑप्शन है यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, उसमें हम चूज कनेक्शन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपकी इससे पहले जो आपने लगाई है उसका लिस्ट है, अगर इसमें से है तो सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो ब्राउज फॉर मोर पे जाए, यहाँ पे अपनी लोकेशन पे जाए जहां पे आपका डेटा सेव है, सेम फाइल, और उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करें। उसके बाद आप सिलेक्ट करें अपने उस टेबल का जिस टेबल में डेटा है, डेटा टेबल है, एंड ओके, और फिर ओके कर आपका पिवट लग गया। आप डेटा में कुछ भी इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बार एक रिपोर्ट बनाता हूँ, मैंने एक रिपोर्ट बनाया नेम का, नेम बाइज क्वांटिटी का टोटल, ठीक है। अब मैं इसमें एक राम सिंह नाम का नया बंदा ऐड करता हूँ नीचे, तो यह होगा 302, तारीख आज का हो गया, ये आपका ऑनलाइन है, सेवन सिक्स नंबर, थ्री नंबर है, और उसका नाम सिक्स सेवन है, सेवन। सेवन है, उसका नाम है जयदीप, जयदीप तो है, राम सिंह बन राम, और वो बिहार से है, बिहार से डेटा। अब मैं जस्ट पिवट टेबल में रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश तो करना पड़ेगा, कि आपका राम सिंह आ गया। तो पिवट टेबल में जाके चेंज डेटा सोर्स करने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन प्रॉपर्टीज आपको अब दिखेगा, इसकी जो पिवट टेबल में कनेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टीज यहां पे दिखेगा। अब यहां पे आप दे सकते हैं कि मेरा रिफ्रेश एवरी 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट पे हो जाए, या फिर मैं दे सकता हूँ जब मैं ओपन करूँ तो मेरा रिफ्रेश हो जाए, या फिर यार यहाँ डेफिनेशन में जाएंगे तो पिवट टेबल का लोकेशन, फाइल का लोकेशन का चेंज हो गया है तो चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें पासवर्ड वगैरह डाला है तो इसमें देखिए पासवर्ड का ऑप्शन होगा, पासवर्ड का ऑप्शन डाल लीजिए। सीट नेम चेंज हुआ तो सीट नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कनेक्शन प्रॉपर्टीज होता है, तो इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बेनिफिट समझ में आ गया, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट समझिए,
आप लोगों के ऑफिस में एक ऐसा फाइल होगा जो काफी बड़ा होगा, जिसको ओपन करने में यहाँ पे आपको कैलकुलेशन परसेंटेज दिखाता होगा, और ओपन करने करते में ही 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट का टाइम लेता होगा। हाँ हाँ और हाँ सर, कुछ करते होंगे तो बाकी स्लो चलता होगा। ऐसे फाइल को बार बार ओपन करना, उस पर पिवट लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि डेटा हमारा डंप डेटा होता है, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जनरली हम लोग पिवट टेबल के थ्रू में ही लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि फाइल को बिना खोले हम पिवट टेबल लगा सकते हैं। फाइल किसी और लोकेशन पे बंद रहेगी और हम पिवट किसी और लोकेशन में लगाएंगे और किसी को भेज सकते हैं, हर कोई उस पिवट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहां इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, यूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और इसमें हम क्या करते हैं न्यू फोल्डर डेटा, नहीं डेटा नहीं डीटी, हाँ डीटी, और यहां पे हम देते हैं आपका डेटा जो भी पिवट है एनो, और आपका पिवट लग गया। ये पिवट ऐसा नहीं कि ये हैंग नहीं करेगा, ये भी हैंग करेगा लेकिन फाइल के मुकाबले बहुत कम करेगा। ठीक है, डेटा भी आपका सिक्योर रहेगा। मान लो किसी ने पिवट लगाने के लिए खोला और उसने कुछ गलती कर दी, किसी ने डिलीट कर दिया, सीधी डिलीट मार दिया, वो सारी चीजें हो सकती है ना। अब ऐसे में क्या हुआ, ये डेटा का व्यू यहाँ पे आता है सर। तो किसी भी फाइल में किसी भी फाइल का पिवट लगा सकते हैं पिवट टेबल की मदद से, और इसका यूज एक बंदा करता था, पता सर क्या करता था, वो ऑफिस से डेटा डेटा को भेजना मना था, तो वो क्या करता था अपने बेसिकली क्या होता था कि हमारी कंपनी थी सिटी फाइनेंशियल, तो सिटी फाइनेंशियल से बाहर लोन की डिटेल भेजता, मतलब कि जो होते थे ना सीसी वाला लोन टेक ओवर वाला, कि आप कि सिटी फाइनेंशियल से लोन चल रहा है, आप सिटी फाइनेंशियल 12% आपको ले रहा है, आप हमारे बैंक से लोन करवाइए, हम 10% में कर देंगे, आपका वो लोन 10% में सज जाएगा, आपका इतना का बचत हो जाएगा। आते होंगे आपके पास कॉल सर, राइट सर, जैसे माना सिटी फाइनेंस से 10% पे लोन दी हुई है किसी कस्टमर को, कस्टमर ने 50,000 का लोन था, 25,000 सधा दिया, 25,000 बचा हुआ, तो दूसरी कंपनी बोलेगा कि आपको मैं 25,000 रुपए का लोन मैं आपको कर देता हूँ, आपको 25,000 नहीं, आपको 25,000 का जो 12% लग रहा है वो 10% ही हम लेंगे, आपका 2% का फायदा होगा, 2% अगर कम मिल रहा है, जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं उस पर अगर 0.5% भी कम मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती है क्या। तो ऐसे कस्टमर की डेटा वो बाहर भेजता था। अब आईटी टीम फाइल खोलती थी तो उसमें कुछ ऐसे ही इनक्रिप्टेड मैसेज, ऐसे कुछ मैसेज होता था कि हेलो प्लीज फलाना 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 करके भेज देता था, कुछ ऐसे अननेसेसरी जोक वगैरह बना के भेज देता था, वो कुछ नहीं करता था। वो क्या करता था कि सीधे पिवट टेबल लगाता था और कुछ नहीं करता था, इसको पिवट टेबल को वो हाइड कर, ठीक है, अब भेज देता था, तो फाइल की साइज भी कम होती थी और ये हाइड हो जाता था। तो आप बोलोगे तो थर्ड पर्सन इसका डेटा कैसे लेता था, वो डेटा लेता था इस तरह से पिवट टेबल से। तो बोले सर पिवट टेबल से क्या डेटा लेना है, पिवट टेबल समरी है। तो ये चीज मैंने पकड़ा जब कंपनी को, जब बहुत सारे कस्टमर की कंप्लेन आने लगी कि मेरे पास मेरा नंबर आपने बाहर क्यों लिख किया, लोन की डिटेल्स तीसरे को कैसे पता चल गए, तो कंपनी ने बहुत उनकी जो कंपनी के फॉरेन कंट्रोल वाले थे बहुत मथापच्ची की, उनको समझ में नहीं आया। तो मुझे बोला कि सुजीत एक्सेल के बारे में जानता है, एक्सेल फाइल जा रहा है, एक्सेल फाइल में कुछ है भेजा हुआ है। तो फिर हमने देखा कि एक साइज कुछ सेल्स हाइट, हमने देखा कि इसकी सीट जो है 7वें नंबर से स्टार्ट हो रही थी, हमने सीट 7वें नंबर से क्यों स्टार्ट हो रही है, मतलब उसने क्या किया होता था कि अमाउंट इस तरह से कुछ ऐसा लिया और भेज दिया, तो इसमें एक दो सीट हाइड हो जाते, एक दो सेल बहुत ही नीचे कहीं जाते। तो मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हाइड कर दिया, और हाइड करते मुझे ये दिख गया, तो हम बोले ये नहीं दिख रहा है डेटा भेजा गया, तो बोलते ये, तो बोला कि इस डेटा से क्या होने वाला है, और पिवट टेबल को भी हाइड कर रखा था उसने, इससे क्या होने वाला है, तो एक अमाउंट एक नंबर है, इस नंबर से क्या होने वाला है। तो हमने बोला इस नंबर से होने वाला है क्योंकि ये पिवट टेबल का समरी है,
आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये आपका पूरा डेटा आ जाएगा। अब मुझे इसका कैसे पता चला, क्योंकि मैं इसको बराबर भेजता था। क्यों था कि पहले मेल की साइज लिमिट होती थी, याद है? पहले आप 2 MB या 1 MB का मेल नहीं भेज पाते थे, अब तो आप 25 MB का भी कैपेसिटी है, अभी भी ज्यादा भरा नहीं है, लेकिन 1 MB 2 MB मेरे पास फाइल बड़े 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 होते थे, उसको भेजना मुश्किल हो जाता था। और इस तरह से करते थे क्योंकि इसके बाद इस फाइल की साइज थोड़ा कम जाते थे। जैसे मान लीजिए इस फाइल को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, इस फाइल की साइज और मेरी ओरिजिनल फाइल की साइज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इस फाइल को क्लोज करता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे इस फाइल की साइज जो है 226 KB की फाइल है, दिख रहा है सर? और इसकी ओरिजिनल फाइल को देखें तो ओरिजिनल फाइल जहां से लिंक है, जिसमें डेटा स्टोर है डेटा फॉर्मेट में, उस फाइल की साइज आप देखेंगे 78 KB। समझे? ये 16 KB की जनरली फाइल होती ही है, 10 KB का साइज हुआ ना सर, 50 KB को 10 KB में समराइज कर दिया, 10 गुना छोटा कर दिया। प्लीज इस ऐसे फीचर को यूज करता था मैं, और जिसको मैं भेजता था उसको बोल देता था कि भाई डबल क्लिक कर सारा फाइल उसका डेटा आ जाएगा, डबल क्लिक करता था डेटा आ जाता था। पिबर अपना डेटा अपने बैकएंड में स्टोर कर लेता, और इसीलिए पावर बीआई पिबर के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है कि पावर बीआई भी अपना डेटा अपने बैकएंड में एज ए प्रीव्यू सेव कर लेता है। ठीक है, क्या आप सिर्फ एक्सेल टू एक्सेल ही पिबर लगा सकते हैं? जी नहीं, आप एक्सेल टू डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी पिबर लगा सकते हैं, जैसे कि पिबर टेबल एक्सटर्नल डेटा सोर्स। आपका अगर एमएस एक्सेस डेटाबेस है तो आप अपनी एमएस एक्सेस डेटाबेस को भी सिलेक्ट कर लीजिए, आपका पिवट टेबल एक्सेस से भी लग जाएगा। ठीक है, आपका डेटा रहेगा एक्सेस में और यहां आपका पिवट टेबल डेटा सेव हो गया जाए। क्लियर है? इस तरह से आप अगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मान लीजिए आपका एसक्यूएल वगैरह है, तो आप यहाँ न्यू सोर्स में जा सकते हैं। एक तो है कि आप अपने पास जो भी आपकी फाइल किसी भी तरह की फाइल है, अगर पिबर सपोर्ट करता है तो जैसे उसका ये पाथ यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे फॉक्सरो की है या किसी और की फाइल है, तो ऑटोमेटिकली उसको लिंक पिबर में लगा देता है। लेकिन आपके पास अगर डेटा भी इसको लिंक करना है तो पिबर टेबल के न्यू सोर्स में जाइए, यहाँ पर आपके डेटा एसक्यूएल सर्वर ओडीबीसी माइक्रोसॉफ्ट डेटा एक्सेस ओएलबी डीबी वगैरह ओरिकल वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी में मैं इसके बारे में इसमें ज्यादा आपको समझाऊंगा। तो अभी मैंने 2007 तक का पिवट को खत्म कर लिया, अब जो अगला ऑप्शन आएंगे वो इससे आगे का चैप्टर होगा। ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे सर। जी सर, आज थोड़ा सा रहने दीजिए, 10 बज गए हैं और मुझे कॉलेज भी निकलना है। ओके सर, 2 मिनट दे दीजिए। हाँ बोलिए सर, एक बार पिवट पिवट वाला कोई ये करना है, बताइए ना, बोलिए तो सही आप, मैं समझ जाऊंगा। बट मैं सर, जैसे मान लो कि मेरा 2 फील्ड है, हाँ। 2 फील्ड मैंने सेलेक्ट करा, अब वहां पे मुझे बाहर सम का फॉर्मूला लगाना है, सम एवरेज काउंट कुछ भी, हाँ। ठीक है, तो वहां पे क्या करता हूँ, जैसे ही मान लो कि रेंज का रेफरेंस देता हूँ, सपोज B5 + C5, ठीक है, इक्वल टू करके, तो वो क्या करता है कि वो फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करता, एक और फील्ड लगाओ सम ऑफ फील्ड के बाद एक और कोई फील्ड ले लो। सर वही तो बता रहा हूँ, क्यों नहीं कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे अगर आप इक्वल सम करते हैं
मुझे मतलब मुझे ये नहीं करना, सिर्फ ड्रैग करना है। आप सम करो इक्वल टू ये, हाँ दोनों को सम करो। अब ड्रैग करना है मुझे, तो ये क्या हुआ कि ये मेरा जो वैल्यू है वो, कर रहा है, आप जो बोल रहे थे गेट पिवट, आप जो है अगर आप इससे लिंक करें ना सिर्फ, तो गेट पिवट टेबल आ जाता है, तब आपका ड्रैग नहीं हाँ होता। प्रॉब्लम ये थी। तो फिर इसको कैसे कैसे अगर ड्रैग तो करना इसके चाहे लिए तो। आप यहां पे क्लिक मत कीजिए, आप उसका रेफरेंस ले लीजिए B2 इस तरह से, अच्छा बी टू लेंगे, फिर ड्रैग करेंगे तो B3 B4 B5 आएगा आपका। क्योंकि अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा था, मुझे अगर इसको ड्रैग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था कि ऑप्शन में जाकर के और मुझे फॉर्मूला में जाकर के चेंज करना पड़ा था, तो फिर वो कैलकुलेट कर रहा था। सिंपल ले ले आप। अब लेकिन प्रॉब्लम है कि बाहर पर पिवट टेबल की कैलकुलेशन कराते हैं तो दिक्कत होगा, पिवट टेबल में कैलकुलेशन करा ले, क्या दिक्कत हाँ है? मैं ठीक है, वो समझ गया समझ गया। ठीक, वो एक डिजाइन में जाना सर, डिजाइन में जाना। यहाँ पे जो ये है रिपीट लेआउट, जो सब टोटल, पहले तो सब टोटल ले लो। हाँ रिपीट में जाओ, ठीक हाँ ठीक है। अब रिपीट लेआउट में जो आ रहा है सर ऑप्शन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उससे। अब रिपीट लेआउट में इसको करना। अब यहाँ पे एक सेकंड रुकना, जैसे रिपीट ऑल आइटम्स लेवल, ये क्या है सो आपके पिवट टेबल के डिजाइन है, नहीं दिख रहा आपको ये सो हाँ कॉम्पैक्ट हाँ फॉर्मेट में हाँ जो आएगा, ये हाँ लेआउट है, समझ रहे हैं? रिपोर्ट के हाँ लेआउट है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, इस पे क्लिक नहीं नहीं करेंगे तो नहीं इस सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रैंड तरह होटल, ग्रैंड होटल, मैं रिपीट हूँ, ग्रैंड होटल पे जाना। ग्रैंड होटल पे एक ऑप्शन आता है कि ये अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, हाँ ये है, तो ये कि ऑन फॉर ऑन पर रॉय ओनली वन फ्लोर। यहाँ पे एक ऑप्शन आता था सर जिसमें मैं ये देखता था कि ये मेरा सब टोटल जो है, सब टोटल एट बॉटम ग्रुप, सब टोटल एट टॉप ग्रुप है, टॉप ऑफ ग्रुप है। हाँ यार सब ये, टोटल हाँ ये ना, राइट तो राइट। सब तो सर टोटल हाँ, तो बॉटम पे करता हूँ तो ये नीचे नीचे रहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सब टोटल टॉप ऑफ ग्रुप करता हूँ तो ऊपर नहीं आता, ऐसा क्यों? देखिए एक बार, ये अभी अभी जो है टॉप, ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे अगर अभी जो है बॉटम करता हूँ, नहीं बॉटम टॉप तो है ही है, मैं इसको बॉटम कर करना दूँ, बहुत बॉटम के समझ समझते हैं क्या होता है? नीचे आ देखिए जाएगा ना। नहीं, सब टोटल आपका इस तरह से दिखता है, दिख रहा है आपको ना, तो ये टोटल ये हर एक्सर एक हर चीज ये का टोटल, हाँ ये सब टोटल हो गया। बॉटम कर दिए थे, देखिए बॉटम आ गया, एक्सेल टोटल बॉटम आ गया। इसका लेआउट क्या है, क्योंकि मैं कर रहा था, आ नहीं रहा था, ये क्लासिक में लेआउट इसका आया। नॉर्मल लेआउट है, कोनो कुछ भी को, नहीं किसी भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आउटलाइन फॉर्म कर दूँ, अब इसको आउटलाइन करना जा फॉर्म में नहीं टोटल जा। होता, आउटलाइन में नहीं आएगा माफ, ये आपका आउटलाइन में नहीं आएगा, कॉम्पैक्ट में आ गया, कॉम्पैक्ट में आया, तो अगर मैं इसको बॉटम करता हूँ, अब वो करना पड़ेगा, नहीं समझे? आपको लेआउट पहले डिजाइन डिफाइन करके फिर आपको लेआउट बॉटम करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा अगर आपने करने के बाद अपना लेआउट चेंज किया, जैसे मैंने मान लीजिए कि आउट कर दिया, तो फिर मेरा हट जाएगा, फिर से वापस मुझे करना पड़ेगा। ओके okay. ठीक क्योंकि है, मैं वही ठीक ठीक है सर, मैं करता हूँ एक बार, देखता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं आपको ये करूँगा। ठीक है, ओके। ओके सर, ओके सर।